देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस फील्डिंग पे और ये ब्लू हाउस की बैटिंग होने जा रही है। पावर प्ले को ध्यान में रखते हुए फील्डर ने अपनी अपनी जगह बना ली है। एक बार आपको दिखा दें, चारों तरफ प्लेयर शिफ्ट हो चुके हैं और सही प्लेस का किया जा रहा है। बाउंड्री के बाहर, गुल भाई यहाँ से डाल दीजिए लोग को, हल्का बाहर से और ये नैन स्ट्राइक पर शुभम और स्ट्राइक पे प्रशांत होते हुए पहली बॉलिंग दिलीप करते हुए ग्रीन हाउस से। टीम पूरी जोश से क्योंकि ग्रीन हाउस को काफी रन। अरे पहले बैटिंग पहले बॉलिंग बड़े चौकन्ने होकर पहले पावर प्ले का ध्यान रखते हुए बैट्समैन ने अपने फील्डर्स को देखा। ए ये काले वाला हमारे अरे बरमुंडवा बोलती रहो रिकॉर्डिंग एक लोग करो भाई सर, एक लोग बोल रहे हैं सर। चक्का दे चक्का दे चक्का और ये पहली बॉलिंग दिलीप कुमार की ग्रीन हाउस से बड़े तेजी के साथ और ये बड़ा सुंदर स्टंट बनाते हुए बड़ी अच्छी बॉलिंग रही है। प्रशांत को पहचान बना, बड़ा मुश्किल है कि बॉल की घर को गिरेगी। काफी तेजी और अच्छी से बॉल हुई, काफी अच्छा स्टांस बनाया उन्होंने अपनी बॉलिंग की और इसी पे एक रन। और ये दिलीप की बड़ी दूसरी बॉल बड़ी तेजी से बॉल करते हुए, लेकिन ये बड़ा वाइड हो गया। लगता है दिलीप काफी जोश में आ गया ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ये सर है, अगर ग्रीन हाउस ने एक भी एक्स्ट्रा रन दिया तो शायद ये हार जाए। और ये इनकी तीसरी बॉल और ये बड़ी अच्छी बॉलिंग, एकदम ऑन द लाइन बॉलिंग। बैट्समैन को एक भी स्टेप आगे बढ़ने का मौका तक नहीं दिया। प्लेयर काफी जोश में है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 11 यार्ड के अंदर पावर प्ले चलते हुए ध्यान में रखते और ये बड़ा ही सुंदर सा छक्का, बड़ा ही सुंदर सा छक्का हो गया। बड़ा ही जोश के साथ पूरी चारों ओर एकदम हर्षोल्लास चल रहा है। टीम बड़ी ही ज्यादा कंपटीशन में खेल रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर क्या होने वाला है। टीम एकदम दोनों टीम बड़ी जोश में है और कंपटीशन भी एकदम बराबरी का है। जैसे ही मैच हुआ है इन्होंने देख रहा है कि अभी कुछ बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन टीम जीत रही है। 11 यार्ड के अंदर ये अंकिता और रंजना बड़ा ही अच्छा फील्डिंग करते हैं और ये फिर वाइड। लगता है दिलीप बड़े ही जोश और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। इन्होंने अपनी पहली बॉल इतनी अच्छी से दी थी कि दोबारा ये इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ऐसी बॉल डालेंगे। और ये इनकी नेक्स्ट बॉल और ये रन लेते हुए और ये गया बॉल और ये बड़ा ही सुंदर, अरे थोड़ा सा फील्डिंग में चूक होते हुए अंकिता से बड़ी ही अच्छा बैक ऑफ किया इन्होंने और ये रहा एक रन। शुभम बैटिंग पर, माना जाता है कि शुभम भी एक बड़े ही अच्छे कीपर है क्रिकेट में, यूनिवर्सिटी के क्रिकेटर हैं ये। दिलीप ने अपना साइड चेंज कर दिया है अराउंड द विकेट खेलते हुए और ये बड़ा ही सुंदर स्टॉप बनाते हुए और ये बैट्समैन को बड़ा ही ज्यादा चश्मा लगा। इनकी बॉल काफी डॉज में जा रही, हर बॉल को माप पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। प्रशांत और शुभम की कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हम लोग पहले ही से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी ये दोनों एक साथ ही स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक भी करते हैं। इसी जोश से
और ये दिलीप केजरीवाल और ये बड़ा स्टांस लेते हुए और ये सुंदर पास, ये कैच आउट होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये बड़ा सुंदर पास, ऐसा लगा कि रसगुल्ला कटोरे में गिरा, एकदम सुंदर कैच, सारी टीम के लोग बड़े उत्साह में और इनका पहला विकेट गिर गया। दिलीप की बॉलिंग भले ही दो ओवर डाली लेकिन काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए टीम बड़े ही खुशी के साथ, टीम में कोऑर्डिनेशन इनके में भी वैसा ही दिख रहा है जैसे ब्लू टीम में थी, कुछ भी कह पा रहा और माप पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन टीम अभी जीतेगी। शुभम को थोड़ा सा सदमा लगा कि इतने अच्छे खिलाड़ी कैसे आउट हो सकते हैं, जैसा कि अब हम सभी देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट प्लेयर प्रमोद है जो यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे क्रिकेट प्लेयर है, इनका बॉलिंग तो हमने देखा ही था, बॉल ऐसी जा रही थी किसी को माप पाना बड़ा मुश्किल था, एकदम तेजी गति में, बिल्कुल वैसी ही बैटिंग भी इनसे होने की चांसेस। और ये रहा प्रमोद की बड़ी सुंदर, बॉडी फिटनेस को देख इन्हें लगता भी है कि ये बड़े अच्छे क्रिकेटर होंगे। राइट आर्म ओवर दी विकेट करके ये बॉलिंग ओवर चेंज होते हुए बड़ा सुंदर बॉलिंग करते हुए, ये भी अपने पाठक जी भी अपने टीम के बड़े अच्छे क्रिकेट प्लेयर माने गए थे, इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी और ये रही इनकी बॉलिंग, और बॉल जाते हुए बॉल को जज कर पाना बड़ा मुश्किल, फिर भी बॉल को बड़ी अच्छी सी झेल डाला इन्होंने, एकदम डंडे की बॉल थी। ये रही इनकी नेक्स्ट बॉलिंग, ओह बड़ा चूक गया, अकेला से ये बॉल चुका नहीं कभी तक, ये आउट रहा होता और ये चूक गया, इन्होंने बड़ी धीमी सी बॉल फेंकी हुई है, अकेला ने बड़ा धीमा थ्रो किया, नहीं तो ये रन आउट था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब गेम का पार्ट है, टीम को हमेशा उत्साह वर्धन करते रहना चाहिए, टीम काफी जोश और कोऑर्डिनेशन के काम खेल रही है, अकेला काफी नर्वस थे उस मैच में भी, इस मैच में भी, शायद इसीलिए इन्होंने जल्दीबाजी में थोड़ा सा डिसीजन अटपटा सा लिया। और ये स्ट्राइक पे प्रशांत जाते हुए, अरे ये रहा बड़ा ही सुंदर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रमोद की रनिंग इतनी खूबसूरत है कि मतलब एक पैर पिच पे तो दूसरा पैर डायरेक्ट पॉपिंग लाइन पे पहुंच जा रही है। अकेला काफी गुस्से में बार बार दिखते हुए आउट हो गए थे, और ये प्रमोद बैट चेंज कर रहे हैं, शायद उन्हें उस बैट में कंफर्टेबल नहीं है, माना जाता है कि अच्छे प्लेयर की आदत होती है एक अच्छे बैट खेलने से, तो ये बैट शायद उन्हें कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, बैट चेंज कर लिया इन्होंने, अब लगता है कि ये छक्का रौद ही डालेंगे। और ये बॉल जाते हुए और ये बॉल मिस होते हुए, ऐसे करते हुए बड़ा ही सुंदर सिंगल डबल लेते हुए, बॉल एकदम एक स्टेप दूरी पे है फिर भी सिंगल डबल की चांसेस इन्होंने बढ़ा दिए, बड़ा ही सुंदर मैच चल रहा है, बड़ा ही रोमांचक मैच चल रहा है, दोनों टीम में बड़ा ही उत्साह है, ग्रीन हाउस काफी प्रेशर में लग रही है, लगता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि हार जाएंगे, लेकिन मैच बिल्कुल बराबरी का टक्कर है, फील्डर बड़ा डिसमैच कर रहे हैं, ये बार बार भूल जा रहे हैं कि अभी पावर प्ले खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तीन प्लेयर ही अंदर रहेंगे, सॉरी बाहर रहेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं अंकिता और रंजना काफी अच्छी स्टांस में फील्डिंग के पोजीशन पे खड़ी हैं, और ये इनकी दूसरी बॉल, अरे बड़ा सुंदर बॉल, ये प्रशांत का ये रहा सिंगल, बड़ा सुंदर सिंगल, और ये उनको पहुंच और जज कर पाना बड़ा मुश्किल था, और इन्होंने बड़ी ही अच्छी बॉलिंग की, बड़े मस्ती में प्रमोद खेल रहे हैं क्योंकि ये बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो इनके चेहरे पे किसी भी तरीके का नर्वसनेस नहीं, बड़ी स्माइल देते हुए खेल रहे हैं, लगता है कि अब ये कुछ अच्छा कर ही जाएंगे, और ये इनकी काफी अच्छी बॉलिंग, ये और इसी पे हो गया, बड़ा ही शानदार फील्डिंग करते हुए उन्होंने एकदम बाउंड्री पे जाके चौवा रोक लिया, बड़ी सुंदर फील्डिंग, टीम काफी उत्साह में दिख रही है, फील्डिंग ऐसी ही होती है तो शायद ही टीम को अभी हारने का मौका मिलेगा, और ये इनकी अगर चाहे टीम तो ये कैच करके आउट हुआ, और ये हो गया प्रशांत आउट, कोई बात नहीं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा हो जाता है, ये हुआ इनसे दूसरा विकेट टीम का गिरते हुए, अगर टीम ऐसी ही खेलती रही तो लगता है कि मैच
हरी टीम जीत जाएगी। और बड़ा बराबर का टक्कर हो रहा है टीम में, बड़ा ही सुंदर कंपटीशन है, कंपटीशन इतना खूबसूरत है कि देखने में मजा आ रहा है। और ऐसे ही ओवर खत्म होते हुए और दिलीप की दूसरी बॉल, इनका सेकंड ओवर है। ऐसा इस गेम का रूल है कि एक ही बंदा तीन ओवर कर सकता है, बाकी सारे प्लेयर को दो दो ओवर करना कंपलसरी है, प्रोवाइडेड दैट टू ओवर फॉर गर्ल्स आर स्पेशली मेड। देखा जा रहा है कि प्रमोद जो बड़े ही परफेक्ट खिलाड़ी हैं यहाँ विद्यापीठ के यूनिवर्सिटी के टीम के, बड़ा ही अच्छा स्टांस बनाते हुए बॉल की निगाह एकदम पूरी की पूरी निगाह एकदम बॉलर पे और बॉल पे है। नन स्ट्राइक पे मोनू सर उतरते हुए और ये इनके स्टांस इतनी खूबसूरत बनी और ये रहा धीरे से बॉल को जज कर पा रहे। अरे बड़ी ही अजीब वो गरीब फील्डिंग थी, मोनू सर रेज पे रहे, बॉल नाइस थ्रो है लेकिन आउट नहीं है। फिटनेस लेवल भले ही मोनू सर थोड़े से हेल्दी और स्टॉकी टाइप के हैं लेकिन इनकी फिटनेस लेवल बरकरार है, बड़ी ही तेजी के साथ ये भी रन ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे अब इस मैच के दौरान पता चल गया कि किसी को देख के ये बताना मुश्किल है कि कौन कितना फिट है, बार बार प्लेयर को बताना पड़ रहा है कि अभी भी पावर प्ले खत्म नहीं हुआ है। दिलीप काफी जोश में, मोनू सर की नजर एकदम बॉल पे और बॉल पे है और ये धीरे धीरे रन जाते और ये रहा। अरे बॉल मिस होते हुए पर कोई बात नहीं, जज करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है पर काफी अच्छी बॉलिंग, इन्होंने भी बैट बड़ी तेजी से चलाया, अगर हल्के से भी बल्ला पे लगा होता तो लगता है बहुत दूर की ये सिक्स हुआ होता। और ये इनकी दूसरी बॉल, वेल प्लेड वेल प्लेड, ऐसी बॉल को अगर इसी में ही चाहते आउट हो गए, इन्होंने कभी रीच को पहुंच नहीं पाया। टीम बड़े ही उत्साह के साथ, अंपायर का डिसीजन एकदम फाइनल और एकदम फ्रेश डिसीजन है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। टीम बड़े उत्साह से और ऐसे करते हुए टीम का तीसरा विकेट गिरता हुआ नन स्ट्राइक पे, प्रमोद स्ट्राइक पे खेलते हुए। दिलीप वॉलीबॉल तो बड़े ही अच्छे प्लेयर है लेकिन क्रिकेट में सबसे ज्यादा महत्व तो फिटनेस लेवल का है और दिलीप की फिटनेस लेवल देख के तो बड़ी ही अच्छी है। जैसा कि हम देख रहे हैं दिलीप की तीसरी बॉलिंग है और ये रहा प्रमोद के लिए बॉलिंग, क्योंकि दिलीप की बॉल एक जैसी है ही नहीं, उसकी बॉल एकदम सुर से निकल जा रही है। दिलीप काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं लगता है बॉल फेंकते फेंकते और बड़ी ही अच्छी बॉलिंग में बॉल को जज कर पाना प्रमोद के लिए, प्रमोद जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। बॉल में लगता है जर्क है क्या, अपील काफी आ रही है कि बॉल बड़ी जर्की बॉल आ रही है और ये बड़ा सुंदर स्टंप बनाते हुए और ये फिर से मिस करते हुए। अगर ऐसी बॉलिंग होती रही तो नई टीम ब्लू टीम के लिए काफी भारी पड़ सकता है मैच, वो हार सकते हैं, बनी बनाई खेल पूरी डूब सकती है। जज कर पाना बड़ा ही मुश्किल है प्रमोद के लिए क्योंकि उनकी हर बॉल कभी मीडियम पेसर कभी यॉर्कर कभी गुगली ऐसे कटते हुए जा रहे हैं। बड़ी ही सुंदर बॉलिंग एकदम बेहतरीन। टीम में कोऑर्डिनेशन उत्साह बहुत दिख रहा है, चारों तरफ एकदम मैदान भरा हुआ है, चारों तरफ मैदान भरा हुआ है जैसा कि हम देख रहे हैं। लगता है प्लेयर सब ग्रीन हाउस साइड है और ये दिलीप की दूसरी और ये बड़ा ही सिर जैसे बॉल और ये वाइड दे रही है। लगता है दिलीप को आदत हो गई है दो तीन अच्छे बॉल के बाद एक वाइड दे रही और ये दिलीप ने बड़ा अच्छा और ये लगी डर लेते और बड़ी सुंदर से फील्डिंग, ऐसी फील्डिंग पाना बड़ी मुश्किल काम है। दिलीप के अंदर फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, लगता है टीम भूल गई है कि ओवर थ्रो का भी रन है और ऐसे करते हुए बड़ी सुंदर एफर्ट की फील्डिंग के बावजूद भी एक रन हो ही गया। प्लेयर
पावर प्ले खत्म हो गया, 5 प्लेयर बाहर जाएंगे और ये प्रमोद स्ट्राइक पे और दिलीप नैन स्ट्राइक पे हैं। और ये पाठक की दूसरा ओवर और ये बॉल जाती है, बड़ी सुंदर बॉल और ये एकदम मस्त बाउंड्री, बड़ी तेजी गति से बाउंड्री, लगता है जगह खाली हो जाने की वजह से बाउंड्री को जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। बड़ी देर के बाद एक बाउंड्री, लगता है टीम में वापस से अभी लगता है कि प्रमोद हाँ एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अंजना से फील्डिंग मिस होते हुए एक फोर हो गया, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये इनकी दूसरी बॉलिंग है, बड़ी ही तेजी से बॉलिंग है यार, बॉल को जज कर पाना बड़ा मुश्किल है, इतनी बॉलिंग में इतनी स्पेस है कि बॉल को जज कर पाना एकदम मुश्किल है। लगता है ग्रीन टीम में बॉलर्स की संख्या ज्यादा और बैट्समैन की संख्या बड़ी कम है। और ये बहुत, और ये बड़ा ही सुंदर यार, बॉल इतनी गति में है किसी को समझ पाना बड़ी मुश्किल है। लगता है प्रमोद जैसे खिलाड़ी भी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी इनकी बॉल से चकमा खा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से हमें ये लगता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में एक बार ट्रायल देने की कोशिश जरूर करना चाहिए, शायद सिलेक्शन उनकी पक्की हो सकती है, काफी अच्छे बॉलर है। लोगों ने अपील करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहा है कि ये बॉल चिक्का मार रहे हैं और अंपायर को प्रेशर बनाया जा रहा है कि बॉल को नो बॉल दे दिया जाए। ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस में थोड़ा सा चिटर बटीर, ऐसा माना जा रहा है कि ये चिक्का मार रहे हैं, बट अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन एंड अंपायर सेज देयर इज नो लाइक ऑफ अंपायर गिव अ वार्निंग, अंपायर गिव वार्निंग। और ये इनकी नेक्स्ट बॉल, और ये बड़ा सुंदर और तेजी गति से बॉल, और ये अरे कैच आउट है, अरे बड़ा सुंदर कैच आउट है, नो 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 नॉट अ कैच आउट, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, इट इज नॉट अ कैच आउट। टीम ने बड़ा ही अच्छा अपील किया था पर किसी भी तरीके का वेरी गुड जजमेंट, अंपायर एकदम कॉन्फिडेंटली अपना सारा जजमेंट ले रहे हैं, किसी को भी देख के किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हो रहा है। बड़ी जोश के साथ मैच चल रहा है, टीम को एक एक रन बनाने होंगे जीतने के लिए, एक रन से हार सकती है और टीम एक रन से जीत सकती है दोनों टीम। और ये प्रमोद लगता है एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इनके सामने इनकी बैटिंग थोड़ी फीकी लग रही है। बड़ी सुंदर। अरे फिटनेस लेवल बहुत तेजी से दिख रहा है, पहुंच गए हैं। टीम बड़ी कॉन्फिडेंटली खेल रही है, टीम ने कोई भी बॉल मिस नहीं किया है, फील्डिंग बड़ी अच्छी है, मिस करने के चांसेस बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लगता है कि टीम बड़ी ही जोश के साथ खेल रही है। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग दिलीप यादव के द्वारा देख रहे हैं, जैसा कि आप अंपायर के द्वारा बहुत ही खूबसूरत निर्णय। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग, यहां पर कैच होने का चांसेस था दिलीप यादव को। बॉलिंग कर रहे हैं विशाल यादव, बहुत ही खूबसूरत बॉलर हैं और इनके बॉल को बहुत खूबसूरती से दे दिया है बैट्समैन ने। दिलीप द्वारा बहुत ही खूबसूरत किया, लेकिन मिस्टेक हो गया, बॉल जो है कि बैट पर नहीं लग पाई। यहां पर दिलीप के द्वारा एक रन लिया गया, हो जाए
कि आप देख रहे हैं चारों तरफ खिलाड़ी बहुत समर्थक बहुत ही उत्साह से दिख रहे हैं। विशाल के द्वारा फेंका गया बॉल, बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही खूबसूरत बॉल। बैट्समैन को इतनी तेज बॉल जा रही है कि नजर तक नहीं आ रही है कि बॉल की स्पीड क्या है। प्रमोद ने इस बॉल को बहुत ही अच्छा मोड़ दिया है, देखते हैं चार रन जाता है या नहीं जाता है। इसी तरह से ये बॉल चार रन गए चली गई और ये ब्लू हाउस की झोली में चार रन प्रमोद के द्वारा। और यहाँ पर बॉलर विशाल थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी तरह से उनकी टीम सपोर्ट करते हुए बोल रही है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो जानते ही कि होता रहता है। वाह बहुत, लेकिन कोई चांस नहीं कोई चांस नहीं कोई चांस नहीं, अंपायर ने नो आउट का डिसीजन दे दिया क्योंकि बॉल जमीन पर टच हो चुकी थी, बॉल जमीन पर टच हो चुकी थी। देखते हैं बहुत ही खूबसूरत मैच चल रहा है यहाँ पर। ग्रीन हाउस बहुत ही दबाव में दिख रही है, वैसे मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। कीपर ने अपील किया आउट का, लेकिन अंपायर के द्वारा कोई डिसीजन नहीं। स्ट्राइक पर दिलीप यादव हैं और नॉन स्ट्राइक पर बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग दिलीप के द्वारा। यहाँ पर आउट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बैट्समैन अपने फुल स्पीड के कारण आउट की अपील। बहुत ही खिलाड़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जहाँ तक कि आप लोग आप देख रहे हैं हमारे दर्शक बंधु बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दिलीप स्ट्राइक पर हैं।